भले से जीरो सर्टिफिकेशन है बट वो प्रिपरेशन बराबर थी। वो समझा उसेन बोल्ट बोलते हैं ना कि मैंने सिर्फ ओवरनाइट नहीं किया, इसके लिए मैंने 9 साल की प्रिपरेशन की है 9 सेकंड में क्रॉस करने के लिए। बट अगर आप FSC या फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड यूज करते हैं तो 360 व्यू में सब कुछ आपको एक पेज के सामने दिख जाता है। ओके सो ये एक बेसिक बेसिक बोलना चाहूंगा जो FSC होता है, हो सकता है थोड़ा लेंदी हो गया हो, बट ये नहीं बेसिक फीचर्स मैं बताता हूँ कि यही होता है। अ सेट ऑफ वर्ड्स वुड बी डेटा बट टेक्स्ट वुड बी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम दोनों ने हुडी पहने हुए सेल्स फोर्स की, तो ट्रेल ब्लेजर हाँ हुडी अभिषेक गंधर्व सेल्स फॉर टेस्टिंग है, ये मेरे पास डेटा है। बट करेक्ट अगर मैं इसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बनाना होगा तो मुझे ये बोल सकता हूँ कि अभिषेक और गंधर्व ने सेल्स फोर्स की हुडी पहनी हुई है ट्रेल ब्लेजर वाली, पहने और हुए। वो सेल्स फॉर टेस्टिंग गायक वाले चैनल पे जाके इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो सेल्फ फॉर सर्टिफिकेशन भी अब दो टाइप के हो गए। हाँ एक होता है ट्रेलर सर्टिफिकेशन जो आप वेब एक्सेसर से लेते हैं, हाँ जी दूसरा होता है एक्रेडिटेड एग्जाम जो कि एक क्लाउड बेस्ड एग्जाम रहती है। एक फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के लिए एक्रेडिटेड एग्जाम हो गई, हेल्थ क्लाउड के लिए हो गया, इंडस्ट्री क्लाउड के लिए, ये एक डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे दो डिवीजन बन गए। जी अब जो मैंने बात की थी, अगर आप एक पार्टनर कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा गोल्ड है वो आपको पता नहीं, लिटरली नहीं पता कि आपकी कंपनी पार्टनर तो है वी से प्राउडली, हाँ सिल्वर पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर, बट रियली आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है एज ए इंडिविजुअल, मेरी कंपनी पार्टनर है तो। तो हाय अभिषेक, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग आई। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू गंधर्व? आई एम आल्सो वेरी फाइन अभिषेक एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। छोटा सा डिस्क्लेमर हर पॉडकास्ट की तरह कि आज क्या चीज पे डिस्कस होने वाली है। फाइनेंशियल ठीक है जब हम बात करते हैं तो आंकड़ों के ऊपर ना बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े एक ऐसी चीज है जो आपका फ्यूचर भी प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेजेंट में चल क्या रहा है, पास्ट में क्या गलतियां करी हैं, सबको दर्शाता है। लेकिन सेल्स फोर्स में ये फ्लेवर कैसे हो रहा है ऐड, किस तरीके से हम एब्रीवेशन जो बोलते हैं कि FSC वो है क्या, उसका रोड मैप क्या है, बिगनर को जिनको नहीं पता, जो फेमिलियर नहीं है उनको हम किस तरीके से गाइड कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, जो बिगनर्स नहीं है जिनको थोड़ा बहुत एक लेटरल एंट्री वाले एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उन्हें किस तरीके से में मूव करना है, उनके ऊपर आपके गाइडेंस के ऊपर बात करेंगे। सो अभिषेक, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन और जर्नी हमारी ऑडियंस को एक बार शेयर कर दो ताकि उनका एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। श्योर श्योर। सो एज यू नो आई एम अभिषेक वर्मा, आई हैव अराउंड 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स फोर्स एंड आई हैव 19 सर्टिफिकेशन सो फार, इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल सर्विस एक्रेडिटेड एग्जाम ऑल्सो। सो माई सेल्स फोर्स जर्नी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग आई कैन से। आई एम एक्सीडेंटल सॉफ्टवेयर सेल्स फोर्स डेवलपर। अर्लियर आई वॉज अ जावा डेवलपर, सो आई वर्क इन वन कंपनी इन पुणे एज अ जावा डेवलपर। देर वॉज अ US कंपनी, सो आई वर्क बिल्ड अ बायोमेट्रिक डिवाइस फॉर देम। आफ्टर दैट देयर प्रोजेक्ट गॉट ओवर एंड दे टोल्ड मी दैट यू हैव टू मूव टू एंड्रॉयड, वी हैव एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। सो अंदर से तो जावा डेवलपर था ही था मैं, तो एंड्रॉयड में मजा आने वाला नहीं था। तो मैंने बोला नहीं यार, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एंड्रॉयड और एवरीथिंग, मैं जॉब छोड़ता हूँ। मैंने इमिडिएटली वहीं से जॉब छोड़ दी, और लकीली मेरा फ्रेंड यहाँ पे मुंबई में था। बेसिकली मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से पुणे, पुणे से अभी मुंबई। सो मेरा बेस्ट फ्रेंड यहीं पे था तो उसने बोला लेट्स कम टू मुंबई, यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे भी वही जावा डेवलपर की जॉब सर्च करते रहा, एक जगह लकीली लगी जॉब। 3 साल का वहाँ पे बॉन्ड था एक्चुअली, फिर भी जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था कि उनकी छोड़ के आया था। तो मैंने ठीक है ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे गया 2 दिन तक जावा का चलता रहा सब कुछ, ठीक है कि जावा का ये डिप्लॉयमेंट है, ऐसा है वैसा है। ऑल ऑफ सडन वहाँ पे बोलते हैं कि आपको सेल्सफोर्स करना है। और उस टाइम पे 2015 या 16 में एक सेल्सफोर्स की वर्कबुक आती थी, आपको वर्कबुक दे दी जाएगी PDF, एक सैंपल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, अभी भी चलता है बहुत सारी जगह, तो वो सैंपल प्रोजेक्ट आपको करना है, ठीक है। तो वहीं से मेरी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट हुई, कोई सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग नहीं मिली। वो जो वर्कबुक थी वही हमारी गीता थी, उसी को पढ़ पढ़ के, उसी को सॉल्व कर करके, खुद से सीख के चालू किया। बट 6 महीने तक ऐसा लगा सेल्सफोर्स में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि एक कोर जावा डेवलपर जो कोडिंग में अच्छा खासा है बिल्कुल उसको पॉइंट एंड क्लिक मिलेगा तो वो चिढ़ जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने के बाद मैंने सोचा कि यार नहीं यार छोड़ो, इस सेल्सफोर्स में कुछ नहीं रखा है, जाते हैं कुछ और, वापस से जावा में जाते हैं। फिर कुछ सीनियर थे मेरे, उन्होंने बोला नहीं
हम देखो कुछ उस टाइम पे LWC या ओरा वोरा कुछ नहीं था उस टाइम पे, बिल्कुल और जब विजुअल फोर्स चलता था, विजुअल फोर्स जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन से चलाना है, तो उन्होंने कुछ टास्क दिए कि बूटस्ट्रैप को यूज करके कुछ बना ऐसा कर, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आना चालू हुआ. सॉरी. सो वो इंटरेस्ट से जब मुझे आना चालू हुआ, तो उसके 6-7 महीने बाद ही मैंने अपना एक क्रोम एक्सटेंशन बना दिया कि आप पॉइंट एंड क्लिक करेंगे तो आपका विजुअल फोर्स पेज बनना चालू हो जाएगा. तब अच्छा से मेरे को सेल्सफोर्स में इंटरेस्ट चालू हुआ, और आज शायद 9 साल हो गए, तो ओके 9 साल में 19 सर्टिफिकेशन भी हो गए हैं, जो कि एक अलग ही एरिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. जी सो सर्टिफिकेशन की अगर बात करते हैं, तो पहले अगर आप मेरा लिंक्डइन या कहीं पे भी चेक करेंगे, तो पहले 5 साल मेरा 0 सर्टिफिकेशन था. एक सर्टिफिकेशन किया था मैंने एडमिन का, वो भी एक्सपायर हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे आपको मेंटेनेंस की भी फीस देनी पड़ती थी. यस हाँ 2016 अभी फ्री है. 17 के आसपास मतलब ये चीज है। हाँ, आपको फीस देना पड़ती थी उस वक्त, कि आपको हाफ ऑफ द फीस, लाइक 200 का है तो 100 या 50 डॉलर आपको मेंटेनेंस का भी फीस देना है. अच्छा 15,000 की सैलरी में 5,000 मेंटेनेंस देना, इट्स नॉट वर्थ था यस उस वक्त. सो वो एक्सपायर हो गया था. फिर 5-6 साल कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, बिकॉज ऑफ इतना, मतलब कंपनी स्पॉन्सर भी नहीं करती थी, या फिर आप बोलो कि कहीं से सपोर्ट भी नहीं था. काम 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 था, कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो सर्टिफिकेशन तब नहीं किए. बट मैं प्रिपेयर करता रहा उस टाइम पे कि जब भी मौका मिलेगा, अगर मुझे सर्टिफिकेशन 5 दिन बाद भी करना है, तो मैं इतना मेंटली प्रिपेयर था, इतनी पढ़ाई कर रखी थी, और इतना कोडिंग आता था कि हाँ 4 से 5 सर्टिफिकेशन तो अपन आराम से कर सकते. तो 5 साल भले से 0 सर्टिफिकेशन है, बट वो प्रिपरेशन बराबर थी. वो समझा उसेन बोल्ट बोलते हैं ना, कि मैंने सिर्फ ओवरनाइट नहीं किया, इसके लिए मैंने 9 साल की प्रिपरेशन की है, 9 सेकेंड में क्रॉस करने के लिए. सो वही था. तो अभी जब मेरे अभी प्रीवियस सिल्वर लाइन में जब आया, तो उन्होंने प्रमोट किया, बोले यू गो फॉर द सर्टिफिकेशन, वाउचर्स प्रोवाइड करे, उन्होंने स्पॉन्सर दिए किया कि हाँ ठीक है, हम लोग आप पैसा देते हैं, आप करें सर्टिफिकेशन. सो उनके सपोर्ट के कारण मैं कंटिन्यूअस लाइक 2 महीने में, 3 महीने में सर्टिफिकेशन कम्प्लीट करना गया, और लकीली बहुत बार फेल भी हुआ हूँ. अभी रिसेंटली हाँ फेल हुआ, अगर आपने देखा होगा तो रिसेंटली फेल हुआ. देखा तो फेल पास चलता रहता है, और ऐसे चलते चलते 19 सर्टिफिकेशन भी हो गए 9 साल में. ओके आपने बहुत सही कहा कि 9 इयर्स एंड 19 सर्टिफिकेशन, तो वो एक चीज करेक्ट आपने फेस पूरा देखा है, ऐसा नहीं है जी, कि करेक्ट कूपन मिला हल्की तैयारी पे कर दिया, वो चीज नहीं करी है, मेंटली करेक्ट. प्रिपेयर होकर नहीं, आपने चीज की है। उसके लिए कैसा होता है कि आपको आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए. मैं जैसे सेशन भी देता हूँ सर्टिफिकेशन पे, तो यही बोलता हूँ कि आप जो एग्जाम गाइड है उसको पढ़ो, और एनालिसिस करके फिर प्रिपरेशन करो. लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन उठाया, अच्छा कितना पास मार्किंग है, 63% है ना, हाँ अच्छा ठीक है, वो पढ़ना चालू कर देंगे. वो सेक्शन डिवाइड ही नहीं करते हैं कि किस सेक्शन में कितने परसेंटेज आ रहे हैं. वो जा रहे हैं भाई 63% चाहिए मुझे, बस उसके लिए रट्टा मारेंगे, ये करेंगे. आप सेक्शन वाइज पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजीली पास कर सकते हैं कोई से भी एग्जाम हो. ट्रू ट्रू एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि एक बहुत बेसिक ये चीज होती है, क्योंकि जैसा ही है 100% है, तो ऐसा नहीं है कि अगर 4 मॉड्यूल का मेरा फेस बना हुआ है तो चारों 25 के होंगे, कोई 32 का भी हो सकता है, करेक्ट कोई 28 का भी हो सकता है, और बाकी 2020 के भी हो सकते हैं। सो अभी तो हम करेक्ट थोड़ा बहुत आपके इंट्रोडक्शन में सर्टिफिकेशन वाली बात को भी कर लिया, जिससे एक रिदम हमारा सेट हो गया है, क्योंकि अब जिसके ऊपर हम करेक्ट बात करेंगे वो है पूरा FSC के ऊपर, कि FSC होता क्या है। तो अगर मैंने बोल ही दिया FSC होता क्या, तो मैं चाहता हूँ आप अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बता दो ना कि FSC, जैसे मैं लेमैन हूँ मुझे नहीं पता, तो FSC होता क्या है, वो करेक्ट. कैसी वो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू गाइड कर दो कि पूरा पता चल जाए कि जिसको कुछ नहीं पता हो उसके बारे में। सो FSC समझने से पहले ना, अपने को यह समझना पड़ेगा कि FSC की रिक्वायरमेंट क्यों है. बिल्कुल सारी रिक्वायरमेंट आपकी सेल्स और सर्विस से भी हो सकती है. डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि FSC का जो बेस है, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड का बेस है, वो सेल्स और सर्विस पे ही बना हुआ है, तो उसकी रिक्वायरमेंट आ ही क्यों, सेलफोर्स क्यों लेके आया, कुछ तो रीजन होगा. करेक्ट. उसका बिल्कुल रीजन ये है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप बड़ी जो Big 3 कंपनीज है, आप JP Morgan ले लो, वो क्या करते हैं कि आपका वेल्थ मैनेजमेंट करते. कर अब JP Morgan की वेल्थ मैनेजमेंट आपकी सेल्स और सर्विस में सेटअप होगी नहीं, और अगर वो डेवलपमेंट में अपना टाइम डालेंगे, या डिप्लॉयमेंट करेंगे, या फिर कस्टमाइजेशन करेंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, तो सालों लग जाएंगे, क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का फाइनेंशियल डेटा रखते हैं. करेक्ट.
बिल्कुल उनकी प्रोसेस ही कम्प्लीटली डिफरेंट है जो सेल्स सर्विस में नहीं बैठती और वो बना भी नहीं सकते। अब ओके उससे प्रॉब्लम क्या होगी, पहले तो उनकी कॉस्ट जाएगी, जो वो ठीक है दे देंगे, पैसा दे देंगे बनाने के लिए ठीक है, बट उनके लिए इम्पोर्टेंट है टाइम। ठीक बिल्कुल है, अगर फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड को वो लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट उसमें 90% भी सेटअप हो गई, तो उनका उतना डेवलपमेंट टाइम तो बच गया, रिसोर्स बच गए, वो रिसोर्स कहीं और यूटिलाइज करें। बिल्कुल तो फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड क्या करता है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड जितने भी सिनेरियोज हैं, आप बैंक उठा लो, आपको अकाउंट खोलना है, उसका फ्लो मिल जाएगा, आपने उसको लिया, उसको एडिट किया, आपका अकाउंट का पूरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, आपका कार्ड कार्ड एक्टिवेट डीएक्टिवेट कराना है तो जी आपको अभी कस्टमर केयर को कॉल करना पड़ता है, करेक्ट, कि यार मेरा कार्ड है इसको डीएक्टिवेट कर दो, या फिर वो मोबाइल ऐप अभी अभी आने लग गया, आज से 5 साल पहले देखो तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, सब मैन्युअली हो अब गया सब मैनुअल होता था। लाइक आप पहले तो जोक चलते थे ना, एसबीआई में था। जाने जाते हैं तो बोलते कि हाँ बिल्कुल लंच के बाद आना, अब थोड़ा सा चेंजेस हुए क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, आए दिन आप देखोगे कि नया फिनसर्व आ जाता है, ये फिनटेक आ गया, कि हाँ भैया ये ग्रो आ गया, चैनल आ गया, ये एक नया ऐप आ गया, कंपटीशन बढ़ रहा है। और बिल्कुल अपनी जो पुरानी बड़ी बड़ी बैंक है, वो भी उनकी इंटरफेस आप देखो, इतना अट्रैक्टिव इंटरफेस आपको मिलेगा नहीं, बिल्कुल तो वहां पे कस्टमर इंटरेक्शन तो है ही नहीं, कि ऐप में कुछ और दिख रहा है, वेबसाइट पे गए कुछ और दिख रहा है, और कस्टमर जब वहां जाता है इन पर्सन, वो अलग चल रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड का क्या करता है, एक यूनिफाइड आपको स्ट्रक्चर दे देता है, एक एक्सपीरियंस साइट मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, हर चीज सिमिलर होगी, वेदर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो, या ऐप में यूज कर रहे हैं, या फिर बैंकर जो सामने बैठा वो यूज कर रहा ओके है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी होती है और यूजर इंटरफेस बहुत इजी हो जाता है। तो ओके उस वक्त क्या होगा, अपन बैंक कार्ड पे आते हैं कि कार्ड एक्टिवेट करना है, तो बहुत इजी हो गया, मुझे क्लिक 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 करना है, ये रीजन है, ये करा, ओटीपी आया, मैंने डाला, मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, अनब्लॉक करना है, सेम प्रोसेस। अभी क्या होता है कि फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के कुछ फीचर्स हैं, तो ये तो छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे भी सिनेरियो बैठते हैं, बट आपने ओके बोला कि अपने को लेमन को समझाना है, तो ये जी छोटे छोटे से बैंकिंग के एग्जाम्पल अपन लेके चले, तो ये हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि अब कोई बंदा है, ठीक है, मैं बैंक में जाता हूँ, अब बैंकर के प्रस्पेक्टिव से बात करते हैं, मैं बैंक में गया, मैंने बोला कि मुझे नया लोन अकाउंट खुलवाना है, ये करना है, वो करना है, वो बोलता है ठीक है सर, कल आप आ जाना, आपकी एप्लीकेशन में भर दूंगा, ये कर ठीक दे। कल कस्टमर आता है बैंक में, है वो बंदा लीव पे, छुट्टी पे चला गया 1 हफ्ते की, फिर समझे दूसरा बैंकर आएगा, वो उससे वो ऑफिस से बिल्कुल वही बात करेगा, ठीक है, फिर वो बोलेगा यार आपने उनसे क्या बात करी, उनसे क्या इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया, वो मुझे नहीं पता, मैं तो आपको इसी रेट में दे सकता हूँ, करेक्ट। तो अब वो ठीक बंदे को उस बंदे के लिए 1 हफ्ते का वेट करना है, करेक्ट। है अब क्या होगा, अगर आप फाइनेंशियल सर्विस यूज करते हैं तो उसमें आता है एक इंटरेक्शन समरी, कस्टमर इंटरेक्शन समरी, मतलब आपका और मेरा क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वो नोट डाउन होता रहेगा, वेदर वो कॉल पे हुआ, ईमेल पे हुआ, इन पर्सन हुआ। तो क्या होता है कि अगर वो बंदा लीव पे भी चला गया, तो कस्टमर के साथ क्या बात हुई है, क्या डील हुई है, वो आपको एक सिंगल 360 व्यू के अंदर मिल जाएगा। तो बंदे ने उसका अकाउंट नंबर डाला, ओके ओके ये डिसीजन हुआ था, ठीक है सर हम आपको प्रोसेस दे दें। तो ठीक ये चीजें, ये प्रॉब्लम 1 हफ्ते के लिए वो बंदे को वेट करने से अच्छा उसको सर्विस कितना फास्ट मिल गया। तो है यही सब एग्जाम्पल है फाइनेंशियल सर्विसेज के, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज है। अब बंदे को जैसे फाइनेंशियल अकाउंट देखने हैं, तो फाइनेंशियल सर्विस में फाइनेंशियल अकाउंट करके एक अलग से ही ऑब्जेक्ट है, ठीक अच्छा है, हाँ उसके अंदर क्या होता है कि अभी हम लोग अकाउंट को क्या समझते हैं कि भैया मेरा एक बैंक अकाउंट हो गया, वो मेरा एक अकाउंट है, बट ऐसा नहीं होता है। आपका एक लोन भी होगा तो आपका बनेगा एक लोन अकाउंट, एक क्रेडिट कार्ड होगा तो आपका बनेगा क्रेडिट कार्ड अकाउंट, तो ये सब आपके क्या बन गए, फाइनेंशियल अकाउंट बन गए। ठीक है, आपने कुछ शेयर का अपना क्या बोलते हैं उसको, शेयर मार्केट से आपने जो अकाउंट खुलाया होगा, डीमेट अकाउंट, सो डीमैट एक वो अकाउंट अकाउंट बन। सो जब बैंकर आता है तो अभी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड सब जगह लिंक है, करेक्ट। सो जी बैंकर के पास उसने पैन कार्ड डालेगा, सारा आपके अकाउंट डिटेल आ गया कि इस बंदे की नेटवर्थ कितनी है, अगर इसको लोन देना है तो मुझे क्या क्या क्राइटेरिया चेक करना है। अब वो जाके वो सिबिल विबिल सारा एरिया एक ही जगह आ जाएगा, तो ठीक डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है। अगर लोन भी देना है, उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे अभी आप बोलते हैं ना, आपको एक पर्सनल मैनेजर मिलता है, रिलेशनशिप मैनेजर रिलेशनशिप बोलते हैं, मैनेजर तो उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो हर किसी को नहीं देते रिलेशनशिप मैनेजर,
जब तक आपका बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो वो कैसे डिसाइड होता है? वो सिस्टम में सारा डेटा वहीं पे रहेगा, वो सब देख लेंगे। अच्छा हाँ यार ये ऐसा है, ये बंदे को अपने को थोड़ा सा एम्फोसाइज करना, यहाँ से अपने को इंटरेस्ट या पैसा मिल सकता है, तो वो आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देता है। तो ये सारे सिनारियों के लिए बैंक को अलग अलग सिस्टम रखना पड़ेंगे। बट अगर आप FSC या फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड यूज करते हैं, तो 360 व्यू में सब कुछ आपको एक पेज के सामने दिख जाता है। सो ये एक बेसिक बेसिक बोलना चाहूंगा जो FSC होता है, हो सकता थोड़ा लेंदी हो गया हो, बट नहीं ये नहीं बेसिक फीचर्स मैं बताता हूँ कि यही होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग द मेन पॉइंट, जो बहुत लेमन को अट्रैक्ट करने के लिए इजी रहेगा, कि ये जो कस्टमर के साथ जो भी पर्सन रिप्रेजेंटेटिव की डिपेंडेंसी होती है उसे ये रिमूव कर रहा है। क्योंकि ज्यादातर हमने यही देखा है कि हमारी कस्टमर से, जैसे मेरी कस्टमर केयर पे बात हो रही है, वो बंदा छुट्टी पे, चलो उसने इंस्टेंट रिजाइन डाल दिया मान लो, अब हाँ वो तो वो है निकल से, वो आ ही नहीं रहा मान लो, कुछ भी होता है, क्योंकि ये छोटे करेक्ट, कॉल सेंटर में तो यही चलता है। अगर मैं बात करूं बेसिक पे तो फिर उसका हाँ बाकी जो एक उसकी पोटेंशियल लीड कन्वर्ट होनी थी उसके चांसेस भी वो तो गई। उन्होंने करने पड़े, तो ये वाली चीज में उसको हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। मैं भी कॉल सेंटर में जॉब किया हूँ स्टार्टिंग में, शायद आइडिया का कॉल सेंटर था, तो वो यही था कि यार सर हमने उनसे बात की थी। अब कॉल सेंटर में हजारों लोग होते हैं, अब किसने किससे क्या बात की हो आपको कुछ पता नहीं। जब तक आपके सिस्टम में डेटा नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कोई हेल्प करना भी चाहोगे ना, अगर मैं था, ठीक है सर मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बट मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा था, मैं कैसे हेल्प करूंगा? गॉट इट। वही डेटा को स्टोर करने के लिए FSC भी यूज कर सकते हैं। सो इसमें तो हमने जैसे बहुत सारी चीजें देख ली। अब होता क्या है कि जब सिक्योरिटी की बात करें और डेटा प्राइवेसी की बात करें तो ये दो इम्पोर्टेंट बहुत एस्पेक्ट होते हैं। और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी बैंक की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में फिनेकली सबसे ऊपर आता है, इसमें तो कोई है ही करेक्ट, नहीं। यूआई की बात कोई हम नहीं, नहीं करेक्ट करेंगे कि कैसा दिखता है वो कैसा नहीं दिखता। तो सिक्योरिटी और करेक्ट। डेटा प्राइवेसी के ऊपर मैं वापस आके ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल सर्विस जो क्लाउड है मेरा, वो सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को किस तरीके से एक गारंटी देता है या एक एश्योर्ड करने का तरीका बताता है कि भैया जो आप ये यूज कर रहे हो, आपने बताया कि वो यूनिफाइड कर देता है, बट इसके अलावा वो करेक्ट, क्या करता है, क्योंकि ये एक मेन कंसर्न है। सभी जगह है। सो दो चीजें इम्पोर्टेंट रहती है अपने इंडिया में। चलो हेल्थ का डेटा पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बट गांधी जी सबके लिए इम्पोर्टेंट है कि यार अगर सिंपल सी बात है, अगर आप घर में भी हो तो आप अपनी एक्चुअल सैलरी कभी बताते हैं? तो ये फाइनेंशियल डेटा इतना ज्यादा सिक्योर रखा जाता है, तो वो कंसर्न आता ही है। सो क्या होता है कि बैंकों को, जब ये फाइनेंशियल क्लाउड इंडिया में आ रहा था, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो बैंक अपना जो डेटा है वो किसी थर्ड पार्टी कंट्री में अपना डेटा स्टोर करना नहीं चाहते थे, ठीक है? तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड को यहाँ करने के लिए उन्होंने अपने डेटा सेंटर इंडिया में भी खोलना चालू करा है। सो जो कस्टमर का डेटा होगा या बैंक का डेटा होगा, वो आउटसाइड इंडिया नहीं जाएगा। सो इंडिया के डेटा रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंप्लायंस है, वो फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के अंदर भी अप्लाई होते हैं। सो इससे अगर आप ड्रीमफोर्स का कीनोट भी देखेंगे, तो वो बिल्ड कर रहे हैं अब ट्रस्ट कस्टमर के बीच में। अरे सो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उन्होंने डेटा सेंटर भी इंडिया में करा है, ताकि बैंकों को ये नहीं लगे कि हमारा डेटा यार US के पास है, सेल्सफोर्स कंपनी भी US की ही है, और अल्टीमेटली तो डेटा उनके पास चले जाएगा। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, वो कंपाइलेंस के साथ और रेगुलेशन के साथ मैचअप करने के लिए उन्होंने अपने डेटा सेंटर यहाँ भी रखे हैं। तो जो आपका डेटा है फाइनेंशियल रिलेटेड, वो बाहर नहीं जाएगा, वो इंडिया में ही रहेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी, GDPR, ये जितने भी कंपाइलेंस रिलेटेड चीजें हैं, वो फाइनेंशियल क्लाउड में भी आती ही है। अपना रोल हायरार्की या जो बेसिक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर रहता है, जो नॉर्मल सेल्स सर्विस में आता है, वो यहाँ पे भी रहेगा कि हर डेटा किसी को एक्सेस नहीं है। बैंक मैनेजर है तो उसकी उसकी ब्रांच का ही डेटा दिखना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे भी रहेगी। सो इसमें एक ये चीज मेरे को पूछनी है कि जैसे अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है आज के टाइम पे, इंटीग्रेशन से ही सारा आपका मूवमेंट होता है, मैपिंग करेक्ट वगैरह सब कुछ। तो ये जो FSC है करेक्ट, हमारा, ये अदर सिस्टम से जब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करवाना चाहूंगा तो वो किस तरीके से बेनिफिट करेगा? जैसे इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं। जब हम एंटरप्राइज लेवल में इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो MuleSoft सबसे ऊपर अपने आप आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट अगर हमें किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को FSC के साथ अपने अदर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कराना होगा तो वो किस तरीके से बेनिफिट कर सकता है? और कोई अगर इसका कोई सिनेरियो अगर आप रियल लाइफ में दे सकते हो कि ये चीज से हो सकता है तो उससे और थोड़ा सा रिदम हमारा बन सकता है FSC के ऊपर, डीप डाइव कर सकते हैं हम इसके ऊपर। करेक्ट। सो बेसिक इंटीग्रेशन जो होता है,
नॉर्मल होता है, एक तो आप एपेक्स से इंटीग्रेशन कर सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी जैसे आप बोल रहे थे MuleSoft या कुछ भी है, एक सेंटर पॉइंट ले ले आप, उससे वो डेटा वहां से लोड करके अपना डेटा यहाँ पे डंप करें। इंटीग्रेशन क्या होता है, दो सिस्टम का मेल करना है, उनका डेटा इधर आना चाहिए, अपना डेटा इधर जाना चाहिए, जी इससे ज्यादा कुछ बड़ा इंटीग्रेशन है नहीं। अगर समझाना है किसी को तो ये सिंपल सी बात है। जी सो जो बेसिक इंटीग्रेशन आप वो तो जी फेस, जो मैंने पहले ही बोला था कि अपना फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड है वो सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ है, तो जो वो फंक्शनलिटी है इंटीग्रेशन की वो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। अब ओके बात करते हैं कि जब डेटा की बात करते हैं तो बैंक का डेटा अलग अलग सर्वर पे होता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको इंटीग्रेशन बिल्ड करना ही है। सो जो बेसिक सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे अपना कनेक्टेड ऐप वगैरह से जो भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं। एपेक्स इंटीग्रेशन करना है, कुछ बैच में डेटा लाना है, जैसे अगर आपको RTGS NEFT का आइडिया देगा तो एक ट्रांजेक्शन होता है जो 3-3 घंटे में चलता है, ठीक है। बैच चलती तो है वहां पे उसकी। क्या चल रहा है, वहां बैच चलती है कि जितने ट्रांजेक्शन इस आवर में वो उतने क्यू में चले जाएंगे और वो उतने ट्रांजेक्शन होगा, वो भी एक टाइप का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि आप एक पेमेंट गेटवे से इंटीग्रेट कर रहे हो, करेक्ट। तो जी जब आप कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे तो वो FSA के अंदर ट्रांजेक्शन आ जाएगा। अगर आपको वो इंटीग्रेट करना है पेमेंट सिस्टम के साथ, RTGS या कुछ भी करना है, तो आप इंटीग्रेशन से आप वो ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। ओके इंटीग्रेशन के कारण आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटी है, आप बस आपको सिनारियो सोचना है और इंटीग्रेशन के थ्रू वो हो सकता है। और ओके इसमें सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली सेल्सफोर्स प्रोवाइड ही करेगा जब वो अपना डेटा वहां दे रहा है, और थर्ड पार्टी पेमेंट रिलेटेड है तो वो भी उनका मेंटेन करेगी बेसिकली। तो ओके ओके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बेसिक भी कर सकते हो और हाई एंड भी कर सकते हो, सारा अवेलेबल। सो अभिषेक, इसी में ना थोड़ा सा मैं डीप डाइव करना चाहूंगा AI को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पे देखा होगा कि AI का ना अलग ही चल रहा है। मतलब मैं ये कि यहाँ पे एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर अपनी ऑडियंस को भी दे दूं कि AI नया नहीं है, पता हमें आ करेक्ट, चुका है इसके बारे में, AI नया नहीं है। हाँ एक्चुअली ये नहीं है। मैं और उसी की मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे अगर हम AI की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं AI में, जनरेटिव AI हो गया, बहुत सारी चीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ गया, सब कुछ हो गया। लेकिन करेक्ट करेक्ट ऑटोमेशन की बात आती है ना, जब हम इसी में बात करते हैं, तो ये किस तरीके से, एक अगर फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूं आपका और आपकी एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि आप ही उस प्रोजेक्ट को डील करेंगे, मैं आपका एक लॉयल कस्टमर हूँ लॉन्ग रन से। अब करेक्ट मैं आपसे मान लो कि पिछले 15 सालों से आपके साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मैं लास्ट 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं FSC में मूव हो गया, ठीक है। अब मेरे पास AI भी आ गया, तो जो AI का जो फ्लेवर है, मैं किस तरीके से अपने FSC में इन्वॉल्व करवा सकता हूँ, बिकॉज आप कंसल्टेंट हो तो मुझे आप सलाह दोगे कि ये करेक्ट कर करेक्ट, सकते हो, तो हाँ उस ये कर सकते करेक्ट। ये कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस, जो मेरा डेटा वाला लॉयल कस्टमर है, पोटेंशियल लीड्स है, मेरी अपॉर्चुनिटीज है, जो मेरा कस्टमर का बिहेवियर है, उसको मैं किस तरीके से एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकता हूँ, ताकि वो रहे कि कि मेरा भी ट्रस्ट बना रहे और मेरा आपके थ्रू भी ट्रस्ट कंपनी के थ्रू भी रहे। तो इसके ऊपर AI का इम्पैक्ट से मैं करेक्ट किस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे आपने बोला ना AI बहुत पुराना है, अभी नहीं है, सिर्फ हमको अभी अभी पता चल रहा है। तो हाँ आइंस्टाइन तो बहुत पुराना ही है, ठीक है, जी चैटबॉट भी बहुत पुराना ही है, सेल्फोर्स तो AI में बहुत पहले से ही है, सिर्फ वही है कि आज इतना फेमस हो गया इसलिए हमको पता चला कि अच्छा AI होता है। तो जी फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड में आइंस्टाइन इनसाइट करके एक कंपोनेंट आता है जो ओके कि AI ही यूज करता है। वो आपको क्या करना है कि आपका रिकॉर्ड पेज होगा वहां पे आप वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बैंक का वेबसाइट है, वो बंदा वहां पे जैसे उसने लोन के रिक्वायरमेंट के लिए इंटरेस्ट फॉर्म भरा, जैसे ही वो फॉर्म फिल करता है वो FSA से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो जी उसके लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक लीड नहीं होता है FSA में, लीड एंड रेफरल्स होता है, ठीक है, वो एक कॉम्बिनेशन ही होता है लीड एंड रेफरल्स। तो जैसे ही आया वो आइंस्टाइन ये क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा सारा डेटा जैसे ही आया, ओके 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 ठीक है। अब उसके लिए वो ऑटोमेटिकली ये देखेगा कि ये इसका पोटेंशियल कितना है, वो क्या करेगा उसके प्रीवियस सारे चेकआउट करेगा, इसने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं या किया है, ठीक, इसके कितने ऑलरेडी लोन अकाउंट्स है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड पेंडिंग है, वो सब करके एक स्कोर तो बना ही देगा। उसके बाद वो लीड एंड रेफरल जनरेट करेगा, वो इमीडिएटली एक बंदे को असाइन कर देगा उस रेफरल के लिए। अब बंदा आया उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ठीक है ये मुझे असाइन हो गया, ये सब आइंस्टाइन इनसाइट से हो जाएगा। बिल्कुल आया अब वो बंदा क्या करेगा, जैसे आया उसे उस बंदे को मैसेज और ईमेल भी आएगा, अगर आप सेटअप करते हैं SMS API इंटीग्रेशन करते हैं तो SMS भी आ जाएगा कि यार ये रेफरल ऐड हुआ है,
तो वो बंदा क्या करेगा, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इमिडिएटली कॉल कर देगा कि सर आपने ये कनेक्ट किया था एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। तो कस्टमर को लगे कि यार जस्ट 2 मिनट पहले तो मैंने फॉर्म भरा था और ये अब भी मेरे पास आ भी गए, मीन्स का सर्विस कितना फास्ट है। तो अल्टीमेटली उसका पॉजिटिव माइंडसेट तो बन ही गया, करेक्ट। अब वो जहां भी वो जो भी इंटरेक्शन हो गया वो AI इनसाइट के अंदर अपना डेटा फिल करते रहेगा कस्टमर इंटरेक्शन में, और उसके हिसाब से जो इंटरेक्शन चल रहा है AI प्रोडक्ट भी डिसाइड करते रहेगा कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, ये दे सकते हैं, इसको ये बेच सकते हैं। तो AI ऑलरेडी है FSC में, जो कि एक मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है और कुछ एग्जाम्पल यूट्यूब पे, सेल्सफोर्स के यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छे हैं, अगर किसी को देखना है तो वो भी चेकआउट कर सकते। एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि AI FSC में कैसे यूज। अब अभिषेक इसमें क्या होता है कि हमने भी 2 से 3 क्वेश्चन पहले GDPR, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के ऊपर जहां हमने बात करी, तो वहीं से मैं थोड़ा सा अभी जो इंटरेक्शन AI के साथ हुई है ना, तो एक होता क्या है कि हर चीज के ना कंप्लायंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आर देयर एनी स्पेसिफिक कंप्लायंस, और आप कह सकते हो कि रेगुलेटरी कंसिडरेशन जिसे हम बोलते हैं अगर हम लीगल भाषा में जाएंगे, तो फाइनेंशियलाइजेशन को जो होता है वो अवेयर होना चाहिए कि अगर मैं FSC को यूज कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपने जेपी मॉर्गन का एग्जांपल लिया था, वो वेल्थ मैनेजमेंट का बहुत बड़े बड़े प्लान्स बेचती है, वो बहुत बड़े, करेक्ट करेक्ट। तो उसके पास भी तो कुछ रेगुलर होना चाहिए ना, कि रेगुलर कंसिडरेशन उसके पास होना चाहिए कि अगर मैं FSC को इवोल्व करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ एज अ कंपनी, तो मुझे कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। आपका कंसल्टेंट तो FSC वाला वो बताएगा, वो चीज एक अलग गेम है, बट उनको क्या पता होना चाहिए एज अ प्री कंडीशन, क्योंकि अगर उनकी प्री कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप एज अ कंसल्टेंट उनको बेस्ट सोल्यूशन और अप्रोच डिसाइड करके दे सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ, मतलब आप कहना चाहते हो कस्टमर को जब वो FSC यूज कर रहा है तो उससे क्या क्या कंपायलेंस मिलेगा, अवेयर होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, सो पहली चीज है कि सेल्सफोर्स का जितना भी AI सिस्टम है वो जब भी डेटा यूज करता है, सिंपल है, तो वो अपना डेटा क्लाउड, तो अभी एक नया नया आया, ठीक है, तो वो जब डेटा जो भी प्रॉम्प्ट या आंसर देता है तो वो 2 जगह से लाता है। एक तो सेल्सफोर्स के इनसाइड ऑर्ग में जो डेटा है उसको एनालिसिस करके देता है, दूसरा लाते हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी मतलब ChatGPT वगैरह नहीं, जितना भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा है। ChatGPT इज लाइक वो अलग ही पिक्चर हो जाएगी, उस पर डिस्कस करेंगे, वो लंबा चल जाएगा। तो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पे, तो मैंने कुछ डेमोज देखे थे वहाँ पे, अभी इम्प्लीमेंट करने का चांस नहीं मिला है। तो उसमें जब वो प्रॉम्प्ट देता है ना, तो जो भी डेटा आपको सजेस्ट कर रहा है, तो वो ये बोलता है कि ये डेटा सेल्सफोर्स के ऑर्ग से लिया गया है और ये जो डेटा है ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आपको ये डेटा एक्सेप्ट करना है नहीं करना, उसका बटन रहेगा, आप एक्सेप्ट करेंगे तभी वो आपके सिस्टम में आएगा, अदरवाइज आप डिक्लाइन कर सकते, चेंज करना कर सकते। तो वो बाइफर्केशन सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कस्टमर के लिए कि यार नहीं ये क्लियर बता रहे हैं आप, ChatGPT पे कुछ भी डालो वो कुछ भी दे देगा। उसका सोर्स ही नहीं है, यहाँ पे आपको सोर्स भी पता रहेगा कि कहाँ से डेटा लाए, ट्रस्टवर्थी डेटा रहेगा, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं कि लाके दे दिया तो यूज ही करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कराना है कर सकते हैं, जब तक आप वो नहीं करते तब तक वो इधर होगा भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज करूंगा, सोर्स ऑफ ट्रुथ जिसे हम बोलते हैं, कि वो बहुत बड़ा जरूरी है यहाँ पर करना। तो इसे में थोड़ा सा और डीप डाइव करके कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि अ सेट ऑफ वर्ड्स वुड बी डेटा बट टेक्स्ट वुड बी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर थोड़ा सा और इसको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम दोनों ने हुडी पहनी हुई है सेल्सफोर्स की, तो ट्रेल ब्लेजर हुडी अभिषेक गंधर्व सेल्सफोर्स टेस्टिंग है, ये मेरे पास डेटा है, बट अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन बनाना होगा तो मुझे मैं ये बोल सकता हूँ कि अभिषेक और गंधर्व ने सेल्सफोर्स की हुडी पहनी हुई है ट्रेल ब्लेजर वाली, और वो सेल्सफोर्स टेस्टिंग गाइड वाले चैनल पे जाके इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। This is information. तो कस्टमर डेटा जो होता है वो कस्टमर का डेटा है, बट जो जिसके साथ वो डेटा को स्टोर है वो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करेगा, जिसके थ्रू वो अपने पास्ट रिजल्ट्स के थ्रू, प्रेजेंट सिनेरियो के थ्रू फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, ये एक सिंपल फॉर्मूला है। सो कस्टमर डेटा जो होता है वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, आपने पहले कहा कि जब कोई सैलरी तक रिवील नहीं करता तो करोड़ों की बात तो बहुत अलग होगी, लेकिन फाइनेंशियल जो FSC है, जो मेरा FSC है, वो किस तरीके से डेटा का मैनेजमेंट किस तरीके से करता है, दूसरा क्या एनालिटिक्स है, तीसरा जो रिपोर्टिंग होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग का फॉर्म जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एनुअल मीटिंग्स में शो करना होता है या
ये मैं बात किसी से भी करूँ, जो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो फंडिंग लाने से पहले भी अपना पूरा लेके जाते हैं कि ये डेटा, तो मैं इसके करेक्ट, ऊपर पूरा आपकी, तो रहता हूँ। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ एज एन एफएससी कंसल्टेंट, अगर मैं बात करूँ। हाँ, सो पहली चीज होती है कि फाइनेंशियल डेटा कभी एनालाइज नहीं होता है किसी एआई के द्वारा, करेक्ट। जी एआई का काम किसी बंदे की इंफॉर्मेशन रिवील करना नहीं है, एआई का काम है एक जो बंदा उस एआई को यूज कर रहा है उसको काम कितना इजी कर सकता है, जी क्या क्या प्रोडक्ट सजेशन। अभी कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, इन शॉर्ट अगर बोलना चाहूँ जी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ठीक है। अब मैंने वो अकाउंट का इंफॉर्मेशन निकाली है, तो वो अकाउंट का पेज ओपन हुआ है क्योंकि मुझे एक्सेस है, करेक्ट। अगर मुझे एक्सेस नहीं हुआ तो वो मैं पेज भी यूज नहीं कर सकता। अगर मुझे एक्सेस है तो मीन्स आई एम लाइबल कि वो इंफॉर्मेशन मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। सेम एआई भी होगा, डेटा भी जो भी होगा, जो एक्सेस है सिर्फ वही कर सकते हैं ना। तो एआई या कुछ भी है जो सजेशन आएंगे वो रिलेटेड टू आपको प्रोडक्ट ही आएंगे कि ये बंदे का ये प्रोफाइल है, इसको ये प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें एफएससी में गोल्स होते हैं, एक फीचर होता है गोल, तो वो गोल्स को कैसे वो अचीव कर सकता है अगर वो डेडलाइन से पीछे हो रहा है। जैसे मुझे कार लेनी है, तो मैंने बैंक को बोला यार मुझे ना 3 साल में कार ले, ठीक है। तो बोलेंगे सर आपका बजट कितना, 5 लाख का। तो बैंक के दिमाग में आ गया कि चलो ये लोन भी ले सकता है अगर इसका गोल कम्प्लीट हुआ, करेक्ट। तो वो गोल बन जाता है और वो गोल को वो सजेस्ट करता है कि यार इसका गोल कम्प्लीट नहीं हुआ है, आप ये प्रोडक्ट इसको सजेस्ट कर सकते। तो फाइनेंशियल पर्सनल डेटा तो कभी बाहर नहीं जाएगा, ये सेल्सफोर्स भी गारंटी देता है और ये तो मैं भी दे सकता हूँ कि नहीं जाता है। प्रोडक्ट्स का सजेशन जो है, सॉल्यूशन से इसको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, वो सजेशन आपको मिल जाते हैं, फाइनेंशियल डेटा कभी नहीं मिलेगा। बात आती है रिपोर्टिंग की, मैं बैंक मैनेजर हूँ, मुझे तो सारा डेटा होना ही चाहिए। सो एफएससी के अंदर ऑलरेडी प्री बिल्ट रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड आते हैं कि मेरे बैंक में कितने अकाउंट है, इसका कितना वेल्थ है, इसके कितने फैमिली अकाउंट है, अपने अपने यहाँ ज्वाइंट अकाउंट चलता है, यूएस में उनका फैमिली हायरार्की वाला चलता है, तो इसके कितने ज्वाइंट अकाउंट है, कितना लोन है, ये सारा उसको रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड प्री बिल्ट मिलता है। अगर उसको कुछ चेंज करना है तो वो एडिशनल अपने साइड से चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड का। अब ये रिपोर्ट डैशबोर्ड में आप कहीं भी चले जाओ, कभी भी एक पर्सनल बंदे की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। बोला जाता है कि हमारे पास 5,000 कस्टमर हैं, ये कस्टमर में से 2 करोड़पति, इवन उनका नाम भी नहीं बताया जाता। अगर आप कोई भी सर्वे भी देखेंगे तो बड़े लोगों की बात अलग है, बट एक बैंक रिवेल नहीं करेगा कि यार हमारे पास इतने करोड़पति, क्योंकि अगर रिवेल किया तो जो कंपटीशन में बैठा बंदा उसको कैप्चर करना चालू कर दे। बिल्कुल तो वो रिपोर्ट डैशबोर्ड में कभी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती, उसमें एक बिगर पिक्चर में डिस्प्ले किया जाता है कि हमारी ये ब्रांच है, हमारी ये बैंक है, इतने कस्टमर है, इतना रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इतने लोन से, इतने आउटस्टैंडिंग है, इतने एनपीएस है, एनपीएस भी शेयर करना पड़ता है। तो वो सारा रिपोर्ट डैशबोर्ड आपको एफएससी में मिल ही जाता है पहले से। अभिषेक, जैसे भी हमने डेटा सिक्योरिटी की बात करी, डेटा मैनेजमेंट की बात होगी, रिपोर्टिंग की बात होगी, एआई सबको बात होगी, लेकिन जब सबसे बड़ी चीज होती है कि हम इंप्लीमेंट तब चीजों को कर सकते हैं जब तक हमें उन चीजों के बारे में पता होगा, तभी कर सकते हैं। और पता लगने के लिए अगर मैं नॉर्मल बात करूं, जैसे मुझे सेल्सफोर्स सीखना है तो ट्रेलेड है, मुझे टेस्टिंग सीखनी है तो एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है, सिर्फ टेस्टिंग डालूंगा तो विकिपीडिया पे भी टेस्टिंग की बहुत डिटेल अच्छा, आ सही जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर मैं एक पर्सन हूं जिसे ट्रांजिट करना है अपना करियर, या बिल्कुल स्टार्ट करना है एफएससी के बारे में फ्रॉम स्क्रैच, जीरो टू हीरो यू आप कह सकते हो, उसके लिए क्या लर्निंग और रिसोर्स मटेरियल आप रिकमेंड करोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ये करेक्ट वे है इसको सीखने का? अभी सर्टिफिकेशन की बात नहीं, सिर्फ सीखना है हमें, तो इसके सीखना, बारे करेक्ट में। करेक्ट। सो फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले 2 क्लाउड का नॉलेज होना जरूरी है, इवन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इट्स लाइक अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आपको एटलीस्ट बेसिक ऑफ सेल्स क्लाउड और बेसिक ऑफ सर्विस क्लाउड, केस क्या होता है, ओमनी चैनल क्या होते हैं, लीड मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती हैं उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को क्या होगा कि अगर आप फाइनेंशियल सर्विस में आते भी हो, लकीली आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो वहाँ की जो टर्मिनोलॉजी है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जो फाइनेंशियल एब्रिवेशन यूज करते हैं वो हमको भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है,
जी वो एब्रीवेशन समझने में भी टाइम लगता है। तो फाइनेंशियल सर्विस में आने से पहले आपको एक बेसिक फाइनेंशियल सर्विस क्या होता है वो पता होना चाहिए, जी सेल्स क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, सॉरी सर्विस क्लाउड के बारे में पता होना चाहिए, तीन जी बेसिक हो गया। अब प्रॉब्लम आती है लर्निंग में, तो अगर ट्रेलेट पे भी फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड का अच्छा खासा मटेरियल है, जी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको, हर बंदा ट्रेलेट से नहीं पढ़ता है, इवन आप मुझे देख लोगे, मैं ट्रेलेट वाला बंदा नहीं वो ओके टॉयलेट पे जाएगा पढ़ेगा, मैं यूट्यूबर वाला बंदा हूँ कि मुझे जो विजुअल दिखता है या कोई समझा रहा है तो विजुअलाइजेशन में पढ़ने में ज़्यादा पसंद है। तो जी अगर वो है तो आप कुछ यूट्यूब चैनल से, जैसे एपेक्स आवर्स हैं, जो भी कुछ यूट्यूब चैनल है सेल्सफोर्स के, उनकी जी एक प्लेलिस्ट बनी हुई फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो कर लीजिए। जी अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्सफोर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी अच्छा खासा फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड का मटेरियल प्रेजेंट है, आप ओके वो देख सकते हैं। अब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की बात आती है कि अगर सेल्सफोर्स सीखना है तो हम डेवलपर ऑर्ग बनाते हैं जो सालों साल चलता रहता है, हाँ जी करेक्ट। प्रॉब्लम बहुत बड़ी यहाँ पे है कि अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड यूज करना है, हेल्थ क्लाउड करना है, तो आपके पास सिर्फ 30 दिन का एक ट्रायल ऑर्ग मिलेगा, ओके एक ईमेल आईडी पे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड ही है वो, कोई आपको ऐसा डेवलपमेंट ऑर्ग कभी नहीं देगा। 30 दिन का आपको ट्रायल लेना है, वो 30 दिन में जो भी बना है वो ठीक है, उसको आप अपने मशीन में बैकअप रखें लोकल पे, फिर जी 30 दिन के बाद नया अकाउंट बनाना है और ओके फिर वो बैकअप को वहाँ डाल के फिर स्टार्ट करना है। डेवलपर ऑर्ग में कैसा होता है, एक बार जो बनाया है वो है, बट अभी फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड इतना ज़्यादा पुराने भी नहीं है कि वो हर किसी को एक्सेस देना चालू करते हैं, करेक्ट। वो भी अभी लेके आ रहे हैं, उसमें भी आपको मैनेज पैकेज भी आते हैं, अनमैनेज पैकेज भी आते हैं, वो भी इंस्टॉल करना होता है, डेवलपर ऑर्ग इतना ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकता, उसकी भी अपनी एक लिमिट है। हाँ जी अगर आपको लिमिटलेस यूज करना है और एक रियल टाइम एग्जांपल चाहिए कि कैसे यूज करते हैं क्या क्या ऑप्शन, तो वो 30 दिन का ही ट्रायल अवेलेबल है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल का कि आप 30 दिन का ऑर्ग बना के अलग अलग ईमेल आईडी से या अपने यूजर नेम चेंज चेंज करके आप ट्राई कर सकते हैं। अब आता है थ्योरी पार्ट, ट्रेल हेड यूट्यूब। अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अगर आपकी वो पार्टनर कंपनी है, सो आपके पास क्या एक्सेस है, शायद से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि जी सेल्सफोर्स पार्टनर्स को एक और प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं वेबसाइट प्रोवाइड करता है, पार्टनर लर्निंग कैम्प, ओके, पार्टनर लर्निंग कैम्प .com। वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड, हेल्थ क्लाउड, जितने भी प्रोफेशनल और इंडस्ट्रीज क्लाउड है उनका जी उन्होंने कोर्स बना के रखा हुआ है। आपको अगर लर्न करना है तो लिटरली वो कोर्स स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बोला था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे एक वर्कबुक दी थी कि हाँ जी ये सेल्सफोर्स करो आप ऑफिशियल वाली सेल्सफोर्स लें, हाँ वैसे ही वर्कबुक, और ज़्यादा इंटरेक्टिव, ट्रेलेट जैसा ही बट उससे भी ज़्यादा इंटरेक्टिव, पार्टनर लर्निंग कैंप के अंदर है, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक वो अवेलेबल है, बट वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है जैसे ट्रेलेट में अवेलेबल है। तो अगर आपको वो एक्सेस करना है और अगर आपकी कंपनी पार्टनर है, आपको नहीं पता है, तो आप अपने ऑनर से या भी मैनेजर से पूछ सकते हैं कि मुझे पार्टनर लर्निंग कैंप का एक्सेस चाहिए, आप प्रोवाइड करें। सो एक बंदा था विप्रो में था वो, तो वो मुझे आया मेरे पास कि यार मुझे ये सीखना है, तो मैंने बोला तू विप्रो से, तेरे पास तो एक्सेस हो गई, सही हाँ होगा होना बोलता है, ये क्या चाहिए होता है, तो बोलता है ये क्या होता है, मैंने बोला भाई तू पार्टनर है, पार्टनर लर्निंग कैंप का एक्सेस नहीं है, बोलता नहीं है, तो मैंने बोला बात कर मैनेजर से, रिक्वेस्ट डाल, मेल डाल, तुझे मिल जाएगा। उसको मिला और अभी वो पार्टनर लर्निंग कैंप से वो पढ़ रहा है। तो ये वो जो मटेरियल है जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है वो बहुत वर्थ है। तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पार्टनर कंपनी है और आपके पास वो एक्सेस नहीं है, तो सबसे पहले वो ले लो और उसका जितना यूटिलाइजेशन कर सकते कर लीजिए। अगर पार्टनर नहीं है तो जो लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है उससे आप जितना भी नॉलेज ले सकते हैं वो लेके उस कंपनी में आप इंटरव्यू दीजिए या उस कंपनी में ट्राई करिए जहाँ पे वो FSC बेस्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं, यार वो लोग पूछते हैं, करेक्ट, कि व्हाट क्वेश्चन यू हैव फॉर अस, आप पूछिए उसने, अगर आप इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल, तो आपके पास है क्या वो प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिलेटेड, तो आपको वहां से एक पाथ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड पे ही काम कर रही जी 50% कर रही होगी, 50% नहीं कर रही होगी, तो जब आप ज्वाइन करते तो बेटर है कि क्लियरिफिकेशन ले लीजिए अगर आपको FSC में ही जाना है, पता जी चले वहां जाके सरप्राइज मिले, सच्चा इंटरव्यू में आप पूछ लीजिए, करेक्ट। ट्रू ट्रू
यही लिमिटेड रिसोर्स है। अगर आप पार्टनर नहीं है और पार्टनर है तो आपके पास बहुत सारे पार्टनर लर्निंग कैंप में रिसोर्स मिल जाए। अभिषेक, अब हमने होता क्या है कि जब तक सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में एक सबसे बड़ा एक ये है कि जेडी में भी लिखा होता है कि वी नीड अ पर्सन हु जिसके पास ये सर्टिफिकेट हो, क्योंकि ये करेक्ट करेक्ट कंपनी की मजबूरी नहीं है, ये जो उनके पास क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ चीज को मैं क्लियर करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि लोग करेक्ट सोचते हैं कि करेक्ट कंपनी मांग रही है, कंपनी नहीं मांग रही नहीं है, नहीं नहीं कंपनी के थ्रू जिसकी बिलिंग होगी, जिससे आपकी सैलरी जनरेट होगी, ये उसकी एक प्री कंडीशन होती है। तो होता क्या है कि करेक्ट अभी आपने बता दिया कि YouTube चैनल है, Salesforce की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और पार्टनर प्रोग्राम वाला, जो कंपनीज पार्टनर हैं उनके एम्प्लॉयज को वहां से अवेल उनकी वो एक्सेस कर है। सकते हैं। अब आती करेक्ट है बात की क्रेडिबिलिटी की और जस्टिफिकेशन की, अपने कौन अपनी करने की करेक्ट क्या हक है कि नहीं है। तो करेक्ट 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 यहाँ पर पिक्चर में आते हैं सर्टिफिकेशंस। तो एफएससी करेक्ट के सर्टिफिकेशंस के ऊपर मैं आपको पूरा जानना चाहता हूँ एक्सपीरियंस की एफएससी में क्या सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन को करने से पहले आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए और होना किस चाहिए। लेवल पे वो चीजों को करना चाहिए, किस लेवल के एक्सपीरियंस पर क्या तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग क्वेश्चन है पूरे पॉडकास्ट का। करेक्ट। सो सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन भी अब दो टाइप के हो गए। एक होता है ट्रेलर सर्टिफिकेशन जो आप वेब एक्सेसर से लेते हैं, हाँ जी दूसरा होता है एक्रेडिटेड एग्जाम जो कि एक क्लाउड बेस्ड एग्जाम देती है। एक फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के लिए एक्रेडिटेड एग्जाम हो गई, हेल्थ जी क्लाउड के लिए हो गया, इंडस्ट्री क्लाउड के लिए, ये एक डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे दो डिवीजन बन गए। अब जो मैंने बात की थी, अगर आप एक पार्टनर कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा गोल्ड है वो आपको पता नहीं, लिटरली नहीं पता कि आपकी कंपनी पार्टनर तो है वी से प्राउडली, हाँ सिल्वर पार्टनर, प्लेटिनम पार्टनर, बट रियली आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है एज ए इंडिविजुअल, मेरी कंपनी पार्टनर है तो ये हम लोगों को आइडिया नहीं है। हम बोलते हैं कि हम प्लेटिनम पार्टनर है, सिल्वर पार्टनर है, वो कंपनी का बेनिफिट है, बट आपको क्या मिल रहा है। तो आपको जी मिलता है एक्सेस एडिशनल रिसोर्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। ओके सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि दो सर्टिफिकेशन, एक ट्रेलेट सर्टिफिकेशन, एक क्रेडिटेड एग्जाम। हाँ जी सो हाँ जी ये एग्जाम कंप्लीट करने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली आपको पार्टनर कंपनी में ही होना जरूरी है। कोई बंदा अगर नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। लाइक ये बोलने भी मुझे दुख होता है कि ऐसा है, बट दिस इज द हार्श ट्रूथ कि अगर आपको फाइनेंशियल सर्विस का एग्जाम करना है तो आपको वो पार्टनर कम्युनिटी से ही आप जा सकते हैं। बुकिंग करने के लिए भी वही पोर्टल यूज होता है, ओके वो मतलब ये वेब एक्स एक वो प्री कंडीशन है, मतलब जैसे वेब एक्सेसर की तरह नहीं है ये कि अगर मैं सेल्फ हाँ एम्प्लॉयड हूँ तो भी मैं भर सकता हूँ इसमें। बेसिकली मुझे नहीं तो नहीं पार्टनर बनना बनने वाली कंपनी के साथ एसोसिएट एज एन एम्प्लॉय होना पड़ेगा, होना ही उसके मिलता, थ्रू जाना करेक्ट पड़ेगा। ओके वही से होगा, और वो उन्हीं के पास रहता है कि पार्टनर लर्निंग कैंप से किया है, उसी का एक अदर पोर्टल होता है। और एग्जाम भी बहुत डिफरेंट होती है, अपनी सेल्स फोर्स जैसी ही ऑनलाइन ही होती है, बट वो थोड़ी सी अलग होती है, क्वेश्चन ओके आंसर्स वगैरह ये सब चेंज होता है, और सारा मटेरियल वो वही है, क्योंकि वो पार्टनर को भी कुछ एक्सेस सेल्सफोर्स को देना होगा। इसमें सेल्सफोर्स गलत नहीं है, राइट, जी सेल्सफोर्स पार्टनर है किसी कंपनी का तो उस कंपनी को भी बेनिफिट होना चाहिए, जी पार्टनरशिप ऐसे ही काम करेगी, कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो वो एक प्रॉब्लम में बोल सकता हूँ है, एक प्रॉब्लम बोले या प्री रिक्विजिट बोले जो भी है, बट जी यही है कि एक पार्टनर ही कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो ही कर सकता है। ओके अदरवाइज फिर आप अगर, हाँ ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल सर्विस में जाना है तो आप सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट करके रखिए, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के अंदर सर्विस क्लाउड वर्ड आ रहा है, करेक्ट, फाइनेंशियल जी जी सर्विस क्लाउड के ऊपर ही बना है। अगर आपको बेस लेवल आइडिया है तो भी आपकी क्रेडिटिबिलिटी मेंटेन रहेगी, जरूरी नहीं है कि आपके पास एफएससी हो, अगर आपके पास सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट है तो भी आप कंसिडर होंगे। ओके सो अगर नहीं वो नहीं हो पाता है तो आप एटलीस्ट सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट कर सकते हैं। ओके सो इसमें अभिषेक में ये चीज तो सर्टिफिकेशन वाले में मुझे आपने ये बहुत एक हार्श रियलिटी बता दी कि, करेक्ट तो आपने दो चीजों के बारे में बहुत बोल्ड बोला है जिसके बारे में मेरे को भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये जो ये क्रेडिट्स को पाने के लिए या करने के लिए पर्टिकुलरली आपको उसका एम्प्लॉय होना पड़ेगा एक ऐसी पार्टनर का। दूसरा, हम एज अ पार्टनर होके हमें एम्प्लॉय बेनिफिट तो हमने सिर्फ सोचा, हम प्राउडली बोलते हैं और लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं कि फाइनली माई कंपनी इज यू नो दिस पार्टनर, हाँ और करेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे फुटर में लिखा भी होता है या टेस्टिमोनियल्स पे जाके लिखा होता है। थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि ये उनको नहीं पता होगा जो एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट ऑफ ऑल। करेक्ट करेक्ट नहीं है।
एंड अब मैं इसमें थोड़ा सा, आपने ये भी बताया कि फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड, ये इसमें फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड में सर्विस क्लाउड आ गया, आपने ये चीज बताई, और सर्विस क्लाउड वाला कंसल्टेंट तो वेबएक्स से ट्रेलेड वाला वो अपना वहां चल जाएगा, आराम से कर वो हो सकते। जाएगा, उसमें कोई प्रीकंडीशन नहीं है। यहाँ तक मेरे जो ऑडियंस है जो सुन रही है उनको क्लियर हो गई है ये चीज। अब क्या होता है कि एनी प्री कंडीशन इसके अलावा, जैसे मैं बहुत सिंपल करूंगा यहाँ पर, आज से 7 महीने या 6 महीने की ड्यूरेशन ही, पहले पहले जब हमारा सेल्सफोर्स बीए वाला जो कोर्स था उसके लिए इट इज कंपलसरी ये होता था, मेन कंडीशन इट वाज कंपलसरी होता था कि एडमिन होना चाहिए, एडमिन होना जरूरी है। लेकिन करेक्ट ये करेक्ट, वाली चीज जो है वो इन्होंने बाद में हटा दी कि अब हटा कोई दी। भी कर सकता है। तो इसके लिए भी कोई ऐसी कंडीशन है इनके अलावा, क्योंकि ये तो लर्निंग कंडीशंस हैं और पार्टनर कंडीशन है, करेक्ट बट सेल्स करेक्ट, फोर्स के परसेप्शन से या सर्टिफिकेशन के परसेप्शन से एनी सॉर्ट ऑफ प्री कंडीशन इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये भी चीज आप क्लैरिफाई कर दो यहाँ पे। करेक्ट। सो जैसे ये दोनों का बाइफरकेशन अलग है, ट्रेलर सर्टिफिकेशन अलग, ये अलग, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों का मर्ज अभी अभी हुआ है। अभी आप ट्रेलर प्रोफाइल पे जाएंगे मेरी, तो अब मुझे फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड का सर्टिफिकेशन दिखाने लग गया है। अर्लियर जब आप एग्जाम पास करते थे तो ऑनेस्टली वो लोग बोलते थे कि ये एग्जाम पास की, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो, और इसका रिजल्ट आता था 15 दिन बाद, और मेरा रिजल्ट आया था 1 महीने बाद। तो इन दोनों का कोई कनेक्शन ही था ही नहीं पहले, तो कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। अगर आप पार्टनर हैं, आपके पास एक्सेस है, आप वो एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि वो एडमिन करना ही जरूरी है, ये करना है, दोनों अलग अलग एग्जाम है। So, इसमें जैसे अब एसएससी में मुझे प्री कंडीशंस पता चल गई, पोस्ट कंडीशन तो बात की बात है कि उसका क्या कंटेंट है वो एक करेक्ट चीज है, क्योंकि उसमें अगर देंगे तो वो बहुत एक करेक्ट लेवल पे पॉडकास्ट बन सकता है उसके ऊपर। अब मैं यही करेक्ट थोड़ा करेक्ट सा करूंगा कि सर्टिफिकेशन वाली चीजें क्लियर हो गई कि कैसे है, कॉन्टेंट वाला चीजें क्लियर होगी। अब ये होता है कि मेरे पास आपने रूट भी बता दिया कि आप पार्टनर प्रोग्राम वाला जो वेबसाइट है अपने मैनेजर या उस पर्टिकुलर पर्सन से बात करके उसको कॉन्टेक्ट कराओ और उससे सर्विस का यूज करो। अब ये होता है करेक्ट कि जैसे मैंने एडमिन कर लिया तो मैं एडमिन सर्टिफाइड हो गया, मतलब यहाँ पर एडमिन वाले को बोलने का बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने बहुत देखा स्पेशली फॉरनर्स में, मैं देख रहा हूँ ये चीज कि विद इन एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स 3 इयर्स 14 क्रॉस सर्टिफाइड 15 क्रॉस सर्टिफाइड। यहाँ पर ना मैं, क्योंकि आपका 9 इयर्स का एक पूरा एक ऑलमोस्ट एक डिकेड का एक्सपीरियंस है, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक करेक्ट बहुत करेक्ट इंपॉर्टेंट बात कही कि फर्स्ट 5 इयर्स 0 सर्टिफिकेशंस। करेक्ट मैं यहाँ से सर्टिफिकेशन पाथ खाली एफएससी को लेकर नहीं, नॉर्मल फॉर ऑल बिगनर्स और फॉर ऑल दोस इंडिविजुअल्स हु वांट टू ट्रांजिट देयर करियर इन द फील्ड ऑफ सेल्स फोर्स, क्या सर्टिफिकेशन रोड मैप होना चाहिए और किस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पे आपको लगता है कि यू आर द राइट वन, कि आप अपने एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर पा रहे हो एज एन क्रेडिट। करेक्ट करेक्ट। सो हर इंडिविजुअल का एक तो लर्निंग एक्सपीरियंस और लर्निंग की कैपेबिलिटी अलग होती है, पहली चीज। सो एक पाथ हुए, तो अगर सिर्फ आपको एग्जाम का पहली, अगर आपके फर्स्ट एग्जाम है, तो मैं बोलूंगा कि आप एसोसिएट एग्जाम ट्राई करो, जी एडमिन से पहले एसोसिएट ट्राई करो। बहुत स्मॉल एग्जाम है, बहुत बेसिक लेवल का एग्जाम है। 0 से 6 6 मंथ का अगर आपको एक्सपीरियंस है, जी आप एसोसिएट ट्राई करें। एसोसिएट से क्या होगा कि एग्जाम कैसे होती है, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, क्या क्या एनवायरनमेंट लगता है, क्या सेटअप लगता है, आप वो दो। उसका जी कॉस्ट भी थोड़ा लो है, हाँ जी 75 कॉस्ट हंड्रेड देखना पड़ती है हर जगह। हाँ, तो कॉस्ट भी लो है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और एक आइडिया आ जाएगा। उसके जी बाद फिर आप एडमिन करना है। अब क्या प्रॉब्लम होता है इसमें कि बंदे पहले एडमिन करते हैं, फिर जाते PD1 पे, फिर जाते एडवांस एडमिन पे, फिर जाते PD2 पे। एक पाथ ही नहीं ले रहे, करेक्ट, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई पाथ नहीं है। वो 3 4 साल में, अब तो खैर 1 साल में 5 5 सर्टिफिकेशन भी लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट ये प्रोसेस में आप क्या करना चाहिए कि आप पहले एडमिन करो, ऐप बिल्डर करो, फिर एडवांस एडमिन करो। अब इसमें क्या कर सकते हो कि आप 1 साल के अंदर 3 सर्टिफिकेशन हो सकते हैं। प्रिपेयर करो आप एडवांस एडमिन की, प्रिपरेशन जो करो एडवांस एडमिन की करो। उसके बाद क्या होगा, अगर आप प्रिपेयर करें एडवांस एडमिन की, तो नीचे के दो तो इजीली हो सकते हैं ना क्लियर। हाँ तो एक की प्रिपेयर करके आप 3 एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अब जी लोग करते हैं एडवांस और फिर चले जाते हैं PD1 के लिए, तो आपका मेंटली भी प्रिपेयर नहीं है, आप फिर कोडिंग का पढ़ना लग गए, एडमिन का छूट गया, फिर एडवांस एडमिन करना है, फिर एडमिन पे आ गए, कोडिंग छूट गया। तो क्या जी कर सकते हैं, एसोसिएट एडमिन, प्लेटफॉर्म एडमिन, सॉरी एडवांस एडमिन, जी ये 4 हो गए। ठीक है उसके बाद नीचे आते हैं PD1,
PD2 और JavaScript developer. ये तीन चार से एक छह एग्जाम का सेट है. अगर आपके पास दो से तीन साल का एक्सपीरियंस है और छह सर्टिफिकेशन बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं छह सर्टिफिकेशन. आजकल इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है, लाइक 19 होके भी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो छह सर्टिफिकेशन की भी नहीं है. बट यही है कि दो से तीन साल के एक्सपीरियंस में पांच सर्टिफिकेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो एक ये एक बात होता है कि एसोसिएट से लेकर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर तक जा सकते हो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ते चले जाएगा. जैसे सर्टिफिकेशन आप ऊपर जाते हो, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है. जी. तो ये है कि इधर उधर ना भागते हुए एक बात पकड़े, और वो एडमिन अगर पकड़े तो पूरा एडमिन को खत्म करके रुके, जी. फिर डेवलपमेंट पे जाए. इधर उधर करने से आपका नॉलेज भी डाइवर्ट होता है और एक मेंटेलिटी कभी प्रिपेयर भी नहीं हो पाएंगे एग्जाम के लिए आप. एंड हम जैसे पॉडकास्ट के बिल्कुल अब लास्ट फेज पे ही हैं, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का. हमने बहुत चीजों को डिस्कस कर लिया, सर्टिफिकेशन, FSC होता क्या है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, रिपोर्टिंग, बहुत कुछ. मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यू हैव अ वेरी गुड रिच एक्सपीरियंस, सो एनी बेस्ट सजेशन फॉर ऑल दोस बिगनर्स और ऑल दोस इंडिविजुअल्स हु आर एक्चुअली एक्सपीरियंस होल्डर्स हु वांट्स टू मूव देयर करियर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड. Any best suggestion from your side and any beautiful message जो आपने experience के according देना चाहोगे? Best suggestion यही है कि अभी थोड़ा सा लंबा करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर beginner की बात करते हैं, दो section में divide करते हैं, experience और beginner. Beginners जब start करते हैं career तो वो coaching classes के पीछे पागल होते हैं. मैं ये coaching कर लूंगा, ये पढ़ लूंगा, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे के वो चले जाते हैं. बट जब कुछ रिसोर्स फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूटीमी में 500 रुपए के कोर्स पे अगर अवेलेबल है, उसको वो लोग यूटिलाइज नहीं करते. आपको घर बैठ के बाहर भी नहीं जाना है, वो सब अवेलेबल है. तो वो रिसोर्स जो रिच रिसोर्स अवेलेबल है आप उसको कंज्यूम करिए, और वही पैसा आप अपने सर्टिफिकेशन में लगा सकते हैं. आप बोलते हैं मेरे पास सर्टिफिकेशन के लिए पैसे नहीं है, तो आप कोचिंग को देने से अच्छा है, कोचिंग वाले मारेंगे मुझे बहुत इस चीज पे, बट ये है कि कोचिंग को देने से अच्छा है कि आप वो रिसोर्स अपने सर्टिफिकेशन में यूज कर लीजिए. जी, पैसा सही जगह यूज हो जाएगा. तो अगर आप फ्रेशर है, बिगनर हैं, तो पहले जो फ्री अवेलेबल मटेरियल है उससे आप कितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं. जो वो 30 दिन का ऑर्ग अवेलेबल है, जो सेल्सफोर्स की साइट पर रिच डेटा अवेलेबल है, आप उसको यूज करके एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चालू करें. बेसिक हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है. क्या होता है कि कागज पे तैरना कोई सिखा नहीं सकता जब तक आप उसके अंदर उतरते नहीं. पानी में उतरोगे तभी तैरना सीख सकते हो, करेक्ट. तो आप नई FSC के बारे में पता है, बेसिक करो, ऑर्ग क्रिएट करो और उस पर खेलना चालू करो. नहीं समझ में आ रहा, कहीं भी क्लिक करके देखो ये क्या लिखा हुआ है. जैसे ये दिख रहा है, अच्छा ये गोल्स है, तो गूगल कर लो ना, व्हाट इज गोल्स इन फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड, तो आपको गोल के बारे में तो नॉलेज आ गया. नहीं पता है, क्लिक करके ट्राई करो. ऐसे ही मैंने सेल्सफोर्स लर्न किया है. ये सेटअप का आइकन में क्या होता है, वहां गए क्लिक करा, अच्छा ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं. बस जो दिख रहा है आपके आंखों के सामने उसको गूगल करो, पढ़ो, ऑटोमेटिक आपका नॉलेज गेन होना चालू हो जाएगा. ये बात होती है प्रेशर की. एक्सपीरियंस बंदे को सेल्सफोर्स बाकी सब पता है. अगर उसके पास फाइनेंशियल सर्विस का डोमेन नॉलेज कहीं से भी मिल जाता है, कहीं भी आपकी फैमिली में कोई जॉब कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके साथ 1-2 घंटा आप बिताएं, डिस्कस करें कि वो लोग कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या क्या सिस्टम यूज करते हैं, एक इंटरनल डोमेन नॉलेज आप काम करके ले सकते हैं. बट अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है उसके एक्सपीरियंस से आप डोमेन नॉलेज ले लीजिए, बाकी जो अवेलेबल रिसोर्स है वो पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये तो मैं इजिली कर सकता हूँ. एक्सपीरियंस बनने के लिए बहुत ईजी है कि बस सिर्फ आपको फाइनेंशियल सर्विस का डोमेन नॉलेज होना चाहिए. जो भी कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो भी टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस में होती है, एक बार आप उसके साथ फेमिलियर हो गए तो एक्सपीरियंस बनता तो इजीली कर लेगा. बिगिनर्स के लिए है कि वो जितना भी है उनको तो कूदना ही पड़ेगा, और 30 दिन का जो ट्रायल और गए वो उनके लिए गोल्ड है. सो यही एक फाइनेंशियल एडवाइस है कि कूद जाओ और करो बस. एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज एज पर योर एक्सपीरियंस, कि किस तरीके से आपने पूरा बताया कि FSC होता क्या है, किस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्चुअल में सॉल्व कर रहा है प्रपोज सॉल्यूशन के साथ, जो बाकी एग्जिस्टिंग सेल्स और सर्विस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये उसकी एक ऊपर वाली लेयर में आता है, यूनिफाइड मेथड के ऊपर बात हुई, बैंक मैनेजर के डेटा किले के बात हुई कि वो क्या किस तरीके से कर सकता है, सर्टिफिकेशन के पाथ को लेके बात हुई, रोड मैप क्या है, क्या प्री कंडीशन है, किस तरीके से आपको उन चीजों को नहीं पता जो कंपनी ने अपने फुटर पे लिखा हुआ वेबसाइट के लिए वो पार्टनर है, पार्टनर बेनिफिट आप किस तरीके से उठा सकते हो. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज
पॉइंट्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प आउट ऑल दोस बिगनर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर जो अपने करियर को फाइनेंशियल सर्विस क्लाउड के बारे में ग्रो करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट रियली मींस अ लॉट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर.